यार ये एक दोस्त ने नया फाइल भेज दिया यार, ये एक टीचर का है जिसमें क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कैसे हो जाएंगे। ओ भाई साहब, ये और एक वीडियो आ गया यहाँ पे रिवीजन का, ये करूँ अभी कि जो मेरा शेड्यूल है उसको फॉलो करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मेरा तो टाइम टेबल के हिसाब से मेरा पढ़ाई तो चल ही नहीं रहा है यार, कैसे होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन के अंदर आएंगे और ये आपको इस एक महीने के सेंसिटिव पीरियड में आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्स में शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस चाहिए तो प्लीज़ 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 आप इन बातों से दूर रहिए और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। और पढ़ाई कैसे करें इन लास्ट वन मंथ, सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले देखिए अपने क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग जरा फोकस करते हैं। देखो आज के तारीख में आपको YouTube पे, Telegram पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आपको आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, कौन सा नोट्स रेफ़र करूँ, कौन से MCQs, कौन से क्वेश्चन बैंक को रेफ़र करूँ, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना ये सब चीज़ें। आपने जिस मटेरियल से आपने पढ़ा है उसी के ऊपर आप स्टिक टू रहिए, उसी के ऊपर आप भरोसा रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको डाउट है, अगर आपको डिफ़िकल्टी है, कमांड नहीं है उसके ऊपर, तो ही आपने YouTube या Telegram इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, वो टॉपिक को पढ़ना है और वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अभी आप सेकेंडली जब शेड्यूल आप बना रहे हो तो आपके साथ ऐसा होता होगा, मन में सवाल आते होंगे कि क्या जो मैंने पहले पढ़ा है क्या वो मुझे याद आएगा, क्या वे मैं एग्ज़ाम में वो लिख पाऊंगा क्या। तो दोस्तों अपने आप पे भरोसा रखो, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, आपको वो सेल्फ डाउट आएगा, बट डोंट वरी, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप बराबर से पूरा पेपर लिख के आ जाओगे। सो बार बार वही चीज़ आप ना पढ़े जो ऑलरेडी आपकी पढ़ के हो चुकी है, राइट। सो जस्ट गो अहेड एंड कंप्लीट योर सिलेबस। तीसरा, एक अभी आप कैसे भी रैंडमली मत पढ़ो, अभी आपने ये लास्ट मंथ जो है रिविजन का समय है तो आपने प्रॉपरली रिविजन्स आपने करनी चाहिए। इस समय पे जैसे मैं जब पढ़ता था तो मेरा रिविजन का पैटर्न कैसे होता था, जो मेरा लास्ट पेपर था वो मैं अभी जो है मैं अभी फर्स्ट उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे जो मेरा सेकंड लास्ट है वो मेरा अभी रिवीजन में सेकंड है, जो थर्ड लास्ट है वो मेरा थर्ड है, और ऐसे करते 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 जो मेरा लास्ट रिवीजन होगा और जो मेरा फर्स्ट पेपर जो होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, सर मैच हो जाएंगे एंड आई विल बी गोइंग टू व्हाट द एग्जाम। और इस तरीके से आप क्या हो जाओगे, एग्जाम रेडी होंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए, वो बोलते हैं कि सर अभी हमने इस समय पे क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप समझिए बात को, आपका इस समय पे फोकस होना चाहिए उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मार्क करके रखा था या आपको लगता है कि वो टॉपिक्स जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए। रैंडमली कोई भी टॉपिक आप ना लीजिए, राइट। आपका फोकस अभी पढ़ाई करते समय सिर्फ रीडिंग पे नहीं होना चाहिए, रीडिंग के साथ साथ आपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपने राइटिंग भी करना चाहिए। आपने किस तरीके से आप लिखते हो क्वेश्चंस वो भी आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप सोचोगे कि डायरेक्टली बिना नेट प्रैक्टिस किए मैं डायरेक्ट 2020 खेलने जाऊं, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। उसी के साथ साथ इस समय पे आपने सोशल मीडिया, राइट, इन सब से आपने दूर रहना है। आपको ये जैसा वीडियो है, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें कहा जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं आपको फिर से कह दूँ, ये वीडियो को बंद कर दो, ये आप इसको बंद कर दीजिएगा और पढ़ाई पे लगिएगा। ये सब चीज़ें जो है अभी प्योर डिस्ट्रैक्शंस है। मैं बस आप जैसे जो ये बच्चे हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ये ऐसे स्ट्रेस ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बस, बेटा ये एग्ज़ाम्स है, CA की एग्ज़ाम्स है, इस मोमेंट को एंजॉय करो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, आराम से पढ़ो। और ये जो स्ट्रेस है यही तो फ़न है ना एग्ज़ाम्स का, और आप बचपन से देते आ रहे हो एग्ज़ाम्स, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप कर सकते हो, आपने इतने समय मेहनत करी है, क्लासेस अटेंड करी है, रिविजन्स करी है, और अभी टाइम है परफॉर्म करने का। सो बिल्कुल भी ये नेगेटिव थॉट्स आपको बॉदर करने मत दो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और रिविजन खूब 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 भर भर के जोरों शोरों से करो, राइट।
सो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वीडियो बंद कर दे भाई।